तो जी ये लीजिए, मैंने अपनी अलमारी को फिर से नया कर दिया। इससे पहले मैंने दिवाली के टाइम पे ही इसको मेकओवर करा था और आपने इसको बहुत पसंद करा, और अभी लगभग एक साल हो चुका है, दिवाली आने वाली है। अच्छा, उस वाले वीडियो में जो मेरा बजट था वो था लगभग 200 रुपये, और इस 200 रुपये में मैंने उसमें सब कुछ कंप्लीट था, मतलब उसमें कलरिंग से लेकर ब्रश तक उस पूरे 200 रुपये में था। लेकिन इस बार उसी अलमीरा को मैं फिर से चेंज कर रही हूँ। चेंज इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि मैं ऐसे DIY ज़्यादा करना पसंद करती हूँ जो बहुत लंबे समय तक ना चले, मतलब आप उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकें। चेंजेस करने से फ़ायदा क्या होगा ना, आपको नया लुक लगेगा, और किसी भी चीज़ में आप कुछ चेंजेस करते हैं, चाहे वो घर का कोई कॉर्नर हो या फिर कुछ भी सामान हो, कुछ भी, तो एक तो फेस्टिवल का वैसे भी टाइम है तो एकदम नया लुक हो जाएगा। और अभी भी वो अच्छी कंडीशन में है क्योंकि मुझे चेंज करना था, और चेंज करके ये देखना है कि पहले वाला ज़्यादा बेटर है कि ये वाला। और इस बार जो मेरा बजट है वो है लगभग 300 रुपये, हाँ 300 रुपये। तो इस 300 रुपये में पूरा अलमीरा का पूरा लुक चेंज करूँगी। अब देखना क्या है कि बेटर कौन सा है। तो ये देखिए, ये है मेरी अलमीरा, और इसमें देखिए कितनी अच्छी अभी भी सेम वैसे ही पेंटिंग है जैसे मैंने इसमें करा था, और सब कुछ अच्छा था। लेकिन ये ऊपर से जब नीचे मैं शिफ्ट हुई हूँ ना, तो इसमें थोड़े से स्क्रैचेस लग गए हैं। और एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि जो मैंने अभी बोला था कि बहुत लंबे समय तक DIY ना चले, तो वहाँ पे मेरा मतलब था परमानेंट, ठीक है। तो देखिए, परमानेंट जब कोई चीज़ बहुत लंबी हो जाती है ना, तो फिर आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर पाते हो। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जब हम करते हैं जिसको आप फिर से कुछ ना कुछ नया कर लेते हैं ना, तो एकदम नया लुक हो जाता है। तो अभी इसी अलमीरा को मैं फिर से करूँगी चेंज बिना किसी झंझट के, और वो कोई ना उसमें सुखाना होगा, कुछ भी ऐसा झंझट नहीं है, कोई भी कर सकता है। तो ये देखिए, ये सब रगड़ लग गई थी, इस वजह से इसमें थोड़ी सी खराबी आ गई है, और जो अब अच्छा नहीं लग रहा है, और आगे से तो एकदम सही है। तो इसका पूरा लुक चेंज करने जा रही हूँ इन दो रोल से, और ये है वॉलपेपर, और इसको मैंने मंगाया है फ्लिपकार्ट से। वैसे भी देखिए सेल चल रही है, द बिग बिलियन डे सेल, और इसको आप वहाँ से मंगा सकते हैं, और इस वक्त तो बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाएगा ये इस तरह के स्टिकर। और ये मुझे पड़ा था लगभग 112 रुपये का एक रोल, और पूरे दो रोल लग गए हैं इस अलमीरा में। तो इसको पेस्टिंग करना बहुत आसान है, ये मतलब कोई बहुत टफ नहीं है, इसको बस थोड़ा लगाने का प्रोसेस को समझना होता है। तो मैं पहले पूरा चेक कर ले रही हूँ कि कितना आएगा। तो ये देखिए, पूरे 5-5 मीटर के रोल हैं, और इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से निकाल के लगा रही हूँ। तो ये पूरा स्टिकर की ही तरह होता है, इसमें पूरा अंदर से पेस्टिंग होती है। आपको जैसे स्टिकर हटाते हैं ना, तो बस उसको आपको पहले पीछे से रैप उसका हटाना होता है, और इसको धीरे धीरे खींच खींच के नीचे की ओर करना पड़ता है, और इसको लगाना भी बहुत ही आसान है। तो मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस समझा देती हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर नीचे इसमें जो पेपर रहता है ना, उसको बस इस तरह से खींचना है। आप यहाँ पर स्केल ले सकते हैं, और इसको ऊपर से रख करके जैसे ही आपने पेपर हटाया, इसको इस तरीके से देखिए नीचे वाला पेपर नीचे की ओर खींच रहे हैं, और वैसे ही स्केल भी नीचे की ओर कर रहे हैं। अच्छा, आप स्केल से भी कर सकते हैं और अपने हाथों से भी कर सकते हैं, दोनों ही कंडीशन में ये लग जाएगा, और इसमें कोई भी एयर नहीं जाएगी। अगर एयर चली भी जाए ना, तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको फिर से निकाल लीजिए और इसको फिर से हल्का हल्का सा इक्वल कर दीजिए। तो देखिए, अगर जहाँ पे भी एयर आ जाएगी तो वहाँ ये उठ जाएगा, और उठ जाए तो आप इसको निकाल लीजिए और फिर से इसको पेस्ट कर दीजिए इस तरीके से। तो देखिए कितने आराम से ये लग चला जा रहा है, और कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। अब जितना भी एक्स्ट्रा पेपर हो उसको आप किसी शार्प चीज़ से कट कर दीजिए। तो ये देखिए, क्योंकि मैं राउंड में यहाँ पर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि राउंड में करने से फिर उसको कटिंग में बहुत दिक्कत आएगी। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर वाइट, मेरे पास थोड़ा सा पेंट रखा है, मैं उसके राउंड में और जितने कॉर्नर्स हैं उसमें पेंट कर दूँगी, और हैंडल वगैरह में। अच्छा, एक और चीज़ देखिए, मैंने जैसे कहा था ना, आप इसको फिर से निकाल सकते हो जहाँ पर एयर आ जाए, क्योंकि मैं भी पहली बार कर रही हूँ तो मैं आपसे कुछ भी गलत चीज़ नहीं शेयर करूँगी। देखिए इस तरीके से ये हल्का सा एयर आ गया है, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं। तो मैं क्या कर रही हूँ, देखिए अब मैं अपने हाथ यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, और हाथ यूज़ करने से ज़्यादा अच्छे से हो रहा है, ये देखिए। तो ये देखिए, मैंने पूरे में वॉलपेपर लगा दिया है, और मैंने बोला था मैं कॉर्नर्स में पेंट करूँगी, मेरे पास
छोटा सा एक 50 ml का पेंट बचा हुआ है, वो भी यूज़ करा हुआ, तो उसी को ही मैं यूज़ करूँगी इसके कॉर्नर्स में और मिरर में जो किनारे किनारे हैं वहाँ पर। ठीक है, तो देखिए अच्छे से हो चुका है। अभी मैंने पूरा, क्योंकि मैं पूरा एक साथ लगाती चली गई हूँ, तो बीच में मैंने कोई कट, मतलब पूरे दरवाज़ों को खोल के नहीं लगाया, मैंने सीधे सीधे इसमें पेस्ट कर दिया है। अभी इसको भी कट करना है और आपको पीछे का कंडीशन भी दिखाती हूँ। और अगर लाइटिंग में थोड़ी दिक्कत हो तो उसको अवॉइड करिएगा, सिर्फ मेरे काम पे फोकस करिए, क्योंकि इस कमरे में लाइट प्रॉपर नहीं थी, फिर भी मुझे लगा मुझे करना है तो करना है, और आपको शो करना है तो शो करना है, बस यही एक पर्पस है। अगर कुछ लाइट वगैरह में कमी हो तो उसको इग्नोर करिए। एक और पॉइंट मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि जब भी जैसे आप अलमारी में या कहीं पे भी वॉलपेपर लगा रहे हैं, बीच में जैसे ये हैंडल आ गया और ये चाबी वाला जगह आ गया, तो आप इसको पूरा पूरा सेम वैसे ही लगाते आइए, फिर जब हैंडल वाला जगह हो उसको आप किसी शार्प चीज़ से उतना हिस्सा कट कर दीजिए। ठीक है, उसमें अपना हैंडल निकाल लीजिए, चाबी वाली जगह है तो उसके ऊपर पेस्टिंग प्रॉपर एक साथ करिए, उसके बाद उसको कट करके वो जगह निकाल लीजिए। ठीक है, मतलब वो पेपर निकाल लीजिए। तो ये देखिए अलमारी के साइड साइड में भी मैंने पेस्टिंग कर दी है, और देखिए कितना बढ़िया तरीके से इसमें फिनिशिंग आई है, कहीं भी इसमें आपको एयर बबल नहीं दिखेंगे। और अगर फिर भी आप उसको दिख जाए ना, तो आप उसको हल्का सा जैसे कि उंगली से प्रेस करेंगे तो वो अपने आप चला जाएगा, इसमें कोई टेंशन लेने की चीज़ नहीं है कि ये दिख रहा है नहीं। वो अगर दिखता है तो उसको आप हल्का सा एक एक दो जैसे आ गए तो आप उसको हल्का सा प्रेस करेंगे उंगली से तो वो अपने आप चला जाएगा। और पूरी अलमारी कंप्लीट हो चुकी है, और ये देखिए अलमारी तो पेंट हो चुकी है, कितना इसमें पेपर निकला है। और मैं इसको फेंकूंगी नहीं, इसको फिर से कुछ यूज़ करूंगी। और इसका क्या यूज़ हो सकता है, इसका बेस्ट यूज़ मेरे लिए ये है कि मैं जब नेकलाइन वगैरह स्टिचिंग करती हूँ ना, तो उसमें बकरम की जगह इसको यूज़ कर सकती हूँ। तो अगर आप स्टिचिंग करते हैं तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आप इस तरह के पेपर को फेंकिए नहीं। और ये देखिए पूरा कंप्लीट कर लिया मैंने, साइड साइड में पेंट कर दिया है, और देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। बाकी कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, कि पहले वाला मेरा DIY ज़्यादा बेटर था कि ये वाला। और ये 300 मेरा बजट था, लेकिन ये 250 मुझे लगभग पड़े हैं, 250 से भी कम रुपए लगे हैं, और पूरा कंप्लीट चेंज हो चुका है। वाइट लुक बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे, इस कमरे में लाइटिंग भी प्रॉपर नहीं थी, फिर भी वाइट लुक बहुत बढ़िया लग रहा है। तो कैसा लगा ये मेरी मेहनत मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, कमेंट ज़रूर करना है आपको, तब तक के लिए बाय बाय।